पावर स्टार पवन सिंह के चुनावी आंधी ने खेसारी लाल यादव को दिया बड़ा झटका। तो क्या खबर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वैसा अगर आप पावर स्टार पवन सिंह के सच्चे फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा कमेंट जरूर करना और वीडियो पूरा जरूर देखिए। कोका कोला की अपार सफलता के बाद खेसारी लाल यादव का गाना रिलीज किया गया, जिस गाने का नाम है ले आई राजा पेप्सी। और इस गाने को नए चैनल से रिलीज किया गया और गाना अगर देखा जाए तो एक दिन में 1.1 लाख व्यूज क्रॉस कर पाया है। खेसारी लाल यादव की लाइफ में पहला ऐसा गाना यह है जो कि इतना कम अवरेज दे पाया मार्केट में। गाना ट्रेंडिंग मैटर पर है लेकिन फिर भी ट्रेंड नहीं कर पाया। इसका रीज़न है कि पावर स्टार पवन सिंह जब से चुनावी मैदान में कूदे हैं तब से खेसारी लाल यादव का जितना भी गाना आता है हर गाना सुपर फ्लॉप साबित होता है, क्योंकि मार्केट में अगर देखा जाए तो कंपटीशन नहीं रह गया है। क्योंकि वहीं पर जब कंपटीशन होता था खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह का, तब वहीं पे गाना का एक और रेज बनता था। लेकिन जब से पावर स्टार पवन सिंह देखा जाए तो चुनाव में उतरे हैं तब से खेसारी लाल यादव की हालत बिल्कुल खराब। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट है कि पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर जब से ऐलान किए तब से बीजेपी पार्टी की बिल्कुल देखा जाए तो खटिया खड़ी हो चुकी है। क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह को हराने के लिए बीजेपी पार्टी कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन इससे पावर स्टार पवन सिंह पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बेशक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पावर स्टार पवन सिंह आज हॉस्पिटल में भी गए थे और तमाम मरीजों से मिले, मुलाकात की है। तो बेशक इस पे आपका क्या राय चल रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और बाकी खेसारी लाल यादव के बारे में सोच के आप ज़रूर कमेंट करिए, और मिलते हैं।